हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए फूडिंग मी चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनाने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनाने जा रही हूँ। लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनाने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप एक लौकी ले लीजिए, उसके अलावा बेसन, एक बाउल बेसन, पुदीना गार्निशिंग के लिए, अदरक जिसे कि मैंने ग्रेट कर रखा है, हरी मिर्च जिसे कि मैंने बारीक काट रखा है, दही एक बड़ा बाउल और अजवाइन, गरम मसाला और मसालेदारी के अंदर आपके जो भी मसाले हो वो भी इसके अंदर यूज आएंगे। अब हम इनकी सहायता से लौकी के कोफ्ते की सब्जी तैयार करें। अब मैंने लौकी को अच्छे से कसने की सहायता से ग्रेट कर लिया है और इसके अंदर जो भी बीच में बीज का जो पार्ट था उसको बाहर निकाल दिया है और सारे लौकी को कस लिया है अच्छे से। कद्दूकस आप से कस लीजिए। फिर अब हम इसे बड़े तैयार करेंगे या कोफ्ते तैयार करेंगे तो इसके लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर जो हमने अदरक दी थी उसे मैं डाल दूंगी। मिर्ची जो मैंने बारीक काट रखी थी उसे भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। उसके अलावा बेसन जो कि मैंने एक कप लिया था मैं उसे भी इसके अंदर डाल दूंगी। उसके अलावा अजवाइन उसे भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। गरम मसाला उसे भी इसके अंदर डाल दूंगी और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी सूजी का उपयोग कर सकते हैं। इससे बड़े या कोफ्ते जो हम बनाएंगे वो कुरकुरे होंगे। ये मैंने थोड़ी सी सूजी इसके अंदर डाल दी। अब मसाले दाने के अंदर हमें नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लीजिए, मिर्ची, हल्दी पाउडर। अब आप डाल दिया है मैंने इन सबको। अब आप इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे मिक्स करने के लिए आपको पानी की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि लौकी के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। इस तरह से आप चम्मच की सहायता से इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना दीजिए। अब हम इससे कोफ्ते निकालेंगे। कोफ्ते निकालने के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही आपका ऑयल गर्म आ जाए आप उसको हाथ से आंच से ऐसे चेक कर लीजिए कि अगर वो गर्म हो चुका है या नहीं। इस तरह से आप छोटे छोटे कोफ्ते के लिए गोलाकार घोल ले लीजिए और उसे तेल के अंदर डाल दीजिए। इस तरह से मैं सारे कोफ्ते तेल के अंदर फ्राई करूंगी। अगर आपको शेप बड़ा चाहिए तो आप बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। आपको जिस तरह से पसंद हो आप वो कर सकते हैं। इस तरह से हमने सारे लौकी के कोफ्ते को ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब आप इसको धीमी धीमी आंच पर अच्छे से फ्राई कीजिए और जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे दूसरी तरफ से पलट कर भी गोल्डन ब्राउन होने तक आप अच्छे से सेकिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इसे प्लेट लीजिए और उसके ऊपर किचन टॉवल को लगा दीजिए और इन सबको धीरे धीरे करके सबको बाहर निकाल दीजिए। इसी तरह से हम सारे कोफ्तों को तेल के अंदर फ्राई करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अच्छे से पक चुके हैं। आप इस तरह से सारे कोफ्ते को तेल के अंदर फ्राई कर लीजिए और इन्हें थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब मैं एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। जैसे कि मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है अब उसे थोड़ा हल्का गर्म होने दूंगी। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है मैं इसके अंदर जीरा और राई पाउडर को डाल दूंगी।
जीरा और राई पाउडर डालने के बाद आप इसके अंदर हींग पाउडर को भी डाल दीजिए। ये मैं एक छोटा टेबल स्पून हींग पाउडर को भी इसके अंदर डाल दिया। अब आप इसे अच्छे से फ्राई होने दीजिए और तेल को भी अच्छे से गर्म होने दीजिए। जैसे ही ये अच्छे से गर्म हो जाए आप इसके अंदर हरी मिर्च जो कि मैंने बारीक काट रखी थी उसे डाल दूंगी और अदरक जिसे कि मैंने कट रखा था उसे भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसे अच्छे से फ्राई होने दूंगी। अब मैं इसके अंदर जो मैंने एक बाउल दही ले रखा था जैसे कि आप देख सकते हैं दही, मैं इसे इसके अंदर फ्राई होने के लिए डाल दूंगी। दही डालने के बाद मैं इसके अंदर एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटे चम्मच मिर्ची पाउडर और दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर दूं। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अच्छे से गर्म होने दीजिए। अब आप इसके अंदर नमक को भी डाल दीजिए, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिए और इसे अच्छे से 3-4 उबाले आने दीजिए और अच्छे से इस ग्रेवी को पकने दीजिए। अब ये ग्रेवी अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो कोफ्ते मैंने फ्राई किए थे वो एक एक करके धीरे धीरे डाल दूंगी। आप उनको इसके अंदर डाल दीजिए और अच्छे से 1-2 उबाले आने तक इसे इस ग्रेवी के अंदर पकने दीजिए जो कि ये बिल्कुल अच्छे से दोनों पककर तैयार हो जाएंगे। ये हमारे कोफ्ते की सब्जी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है और ये बिल्कुल सीज चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके ऊपर आप गरम मसाले को डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गरम मसाले को डालने के बाद मिक्स होने के बाद फिर आप इसे पुदीने की पत्तियों से गार्निश कर दीजिए। ये हमारे लौकी के कोफ्ते की कड़ी या सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठों के साथ या नान के साथ सर्व कीजिए। खाने के अंदर ये लौकी के कोफ्तों की सब्जी बहुत अधिक टेस्टी लगती है। आप भी इस लौकी के कोफ्ते की कड़ी बनाइए और मुझे बताइए आपकी ये सब्जी कैसी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।